शाहे जहां सदाए रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ी कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन और सामईन कराम। नाइन न्यूज़ HD के लाइव स्टूडियो से रमज़ान मुबारक की ये स्पेशल ट्रांसमिशन सदाए रमज़ान आपकी खिदमत में पेश की जा रही है और आपका मेज़बान मोहम्मद लुक़मान रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। 25 रमज़ान मुबारक योम विसाल अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह काज़मी अलैहिर्रहमा, आपके हवाले से आज खुसूसी गुफ्तगू होगी और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस्लामिक स्कॉलर इंग्लिश डिपार्टमेंट GC यूनिवर्सिटी जो है इसके शोबा इंग्लिश लिसानियात से मुंसलिक PhD इंग्लिश के हामिल और अलामा सैयद अहमद सईद काज़मी अली रहमा पर सैर हासिल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे गुफ्तगू हो। आपकी ज़िंदगी के जो नुमाया पहलू हैं उन पर ज़रूर कलाम किया जाए और इनके साथ आका करीम रऊफुर रहीम अलैहि सलात व तस्लीम की बारगाह नाज में गुलाह अकीदत पेश करने के लिए मौजूद हमारे मेहमान सना खान जनाब क़ारी मोहम्मद राशिद महमूद नक्शबंदी साहिब। मैं आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले जनाब डॉक्टर मोहम्मद कासिम सईदी साहिब, अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी शाह अलैहि रहमा, आपकी ज़िंदगी के बहुत से पहलू हैं, आलिम दीन भी हैं यानी आलिम ज़ाहिर भी और आलिम बातिन भी हैं और इसके साथ साथ सादात किराम काज़मी सादात ये नस्बत भी आपको हासिल है। फिर तदरीस के मामलात हैं, सियासत के मामलात हैं, तहरीक पाकिस्तान के मामलात हैं, दीनी खिदमात हैं, दारुल उलूम का क़याम है, बहुत सी आपके वाहिद ज़ात में वाहिद शख्सियत में एक ज़ात हैं एक शख्सियत हैं लेकिन आपकी शख्सियत के कई पहलू हैं, इन पर कलाम हम करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता हो हमारे नाज़रीन और सामीन को कि अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह काज़मी अली रहमा आपका इब्तदाई पस मंज़र क्या है, पैदाइश और फिर इब्तदाई ज़िंदगी आपकी कहाँ गुज़री, इब्तदाई उलूम कहाँ से सीखे और खानवादा जो है आपका उसका तआरुफ़ क्या है, इस हवाले से हमारे नाज़रीन की रहनुमाई कीजिएगा। नहमदुहु व नसल्लि व नसल्लम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन और सामीन सब हज़रात को अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आप तमाम नाज़रीन का और सामीन का खुसूसी शुक्रिया और नाइन न्यूज़ चैनल का जी मैं बिलखुसूस शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि नाइन न्यूज़ की टीम ने एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत अहम शख्सियत के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया है तो आप हजरात का बहुत शुक्रिया। तो हजरात मोहतरम कहते हैं आपको मरहबा जज़ाकल्ला। हजरात मोहतरम आज जिस उन्वान पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं जी वो है एक ऐसी शख्सियत जैसे आपने इरशाद फरमाया कि हमा जिहत शख्सियत है बेशक और एक जामे शख्सियत है जी नामे नामी इसमें ग्रामी हज़रत अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी नव्वरल्लाहु मरकदहू। आपको आलम इस्लाम जी बिलउमूम और अहलियान पाकिस्तान बिलखुसूस गज़ाली ज़मां राज़ी दौरान इमाम अहल सुन्नत बेहकी ये वक्त के नाम से याद करती और असलाफ का अमली नमूना और हजरत की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जो यकीनन असलाफ का एक नमूना थे बेशक। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हजरत अल्लामा गज़ाली ज़मां रहमतुल्लाह अलैह जी आपका ताल्लुक किस खानदान से है जी कहाँ से आपने तालीम हासिल की है। तो याद रखिए गज़ाली ज़मां राज़ी दौरान इमाम अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी नव्वरल्लाहु मरकदहू जिनकी कुनियत अबुन नज्म है सुभान अल्लाह। आप रहमतुल्लाह अलैह अमरोहा में
जो इंडिया का एक शहर है, उस वक्त जब बड़े सगीर पाक व हिंद इकट्ठे थे जी, अमरोहा में 1913 में पैदा हुए। ठीक, ये 13 मार्च की तारीख थी। 13 मार्च 1913 को अमरोहा में आप पैदा हुए। मशहूर जिला है अमरोहा। मशहूर जिला है अमरोहा। और जिस खानदान में पैदा हुए वो खानदान बड़ा आली मर्तबत है। उस खानदान का ताल्लुक हजरत सैयदना इमाम मूसा काजिम रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ है। लगभग ही ताल्लुक आगे जाके इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जुड़ता है। 37 वास्ते ऐसे हैं, 37 वास्तों से हजरत का ताल्लुक इमाम मूसा काजिम रज़ियल्लाहु अन्हु से जाकर मिलता है। आप जिस खानवादे में पैदा होते हैं वो खानवादा इंतहाई मुअज्ज़ज़ मोहतरम और इल्म तकवा तहारत ये जितनी खसूसियात हैं सबका हामिल है। इल्मी घराना है और रूहानी घराना है। आपके वालिद मोहतरम हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद मुख्तार काजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। आपकी वालदा मोहतरमा इंतहाई तालीम याफ्ता उस वक्त के दौर के मुताबिक बिलउमूम और खुसूसी तौर पर दर्स निज़ामी की फाजिला थी। आप उस घर में पैदा हुए, लेकिन यूं समझ लें कि किस्मत का लिखा ऐसा था, जब आपकी उम्र पाक सिर्फ 6 साल की थी तो आपके वालिद ग्रामी का साया आपके सर से उठ गया, उनका विसाल हो गया। हजरत सैयद मोहम्मद मुख्तार काजमी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। तो गोया एक तरह से यतीमी का दौर शुरू हो गया। लेकिन आपके बरादरान मुकर्रम थे जिनमें सबसे बड़े भाई हजरत सैयद मोहम्मद खलील काजमी से रहमतुल्लाह अलैह, बरादर अकबर जो बरादर अकबर है, फिर उन्होंने इनकी तरबियत की। अच्छा, वही आपके उस्ताद मोहतरम हैं, वही मुअल्लिम हैं, वही मुरब्बी हैं और मुर्शिद भी वही है। तरीकत भी उन्हीं से हासिल की है। सही। और इसके साथ साथ आपकी तरबियत में और आपकी तालीम में आपकी वालदा मोहतरमा ने भी बड़ा साथ दिया। सही। उनका भी बड़ा एक पार्ट है, उन्होंने खुद बहुत सारी किताबें इनको पढ़ाई। तो पहले नंबर पर है, माँ की गोद ही पहली दरसगाह होती है बच्चे के लिए। और अंदाजा करें कि आप मेहनती कितने थे, कितनी तगदो करते थे, अपने इब्तदाई उलूम किस मेहनत से हासिल किए हैं और आपकी गिरफ्त तमाम उलूम पर कितनी थी। 1926 में जी, जब इस वक्त आप ये समझ सकते हैं कि सिर्फ 13 साल उम्र है, 13 साल की उम्र के अंदर तसनीफ की है आपने, और एक ऐसे मसले पर जो उस वक्त बड़ा मुतनाजा था और इंतहाई मैं समझता हूँ मुश्किल मसला था, बाएस नजा था कि अल्लाह तबारक व ताला के बारे में लोगों के नजरियात कुछ तब्दील थे, कुछ इस तरह के थे कि माजल्ला अल्लाह पाक झूठ भी बोल सकता है, इम्कान किस्म की बात करते थे, वादा खिलाफी कर सकता है, झूठ बोल सकता है, नऊज़ु बिल्लाह। तो आपने उनके रद्द में एक किताब तहरीर फरमाई उस वक्त 13 साल की उम्र में, अंदाजा कीजिए। तो मैं तो समझता हूँ कि शायद ये करामत है आपकी और करम है आपके वालिदैन का और आपके खानदान का आप पर, कि 13 साल की उम्र में एक बच्चा तसनीफ भी कर सकता है, किताब आला पाए की किताब और आला पाए की और मुश्किल मौजू। किताब का नाम है तस्बीह और रहमान अनिल किज़्बी वन नुकसान। अल्लाहु अकबर। कि अल्लाह नाम ही ये बता रहा है कि अल्लाह ताला की तकदीस और अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हुए कि हर ऐब से पाक है, नुकसान से पाक है, कि अल्लाह पाक झूठ बोलने से पाक है, नऊज़ु बिल्लाह, इस तरह की सिफात अल्लाह ताला की ज़ात के साथ साथ मुत्तसिफ करना इंतहाई गलती और गुस्साखी है। इस पर आपने किताब लिखी। इसका तो माना यह हुआ कि इस्लाम की बुनियादी असास जो है और तौहीद जो है अकायद पर है, और आप अंदाजा करें कि तौहीद पर भी अगर हर्फ आ रहा है तो इससे बढ़कर और क्या हमारी बदकिस्मती हो सकती है। तो 1929 में आप 16 साल की उम्र में फारिग तहसील हो जाते हैं। उलूम का सारा सिलसिला अपने भाई से तय पाया जाता है, उनसे अख्ज कर लेते हैं और फिर आपकी दस्तार बंदी होती है, और आपकी दस्तार बंदी में जब सनद फरागत हासिल होती है, बड़े बड़े उलमाए किराम, जय्यद आइम्मा, जय्यद असातिज़ा,
और मशाइख़ इज़ाम तशरीफ़ फरमा होते हैं, जिनमें बड़े नाम हज़रत मुहद्दिस आज़म कछोचवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद नईमुद्दीन मुरादी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े बड़े नाम हैं आपकी दस्तार फजीलत में शामिल होते हैं। इस तरह आपका जो तालीम का एक पैकर और मौका है, वो अपने तौर पर एक जमात थे, मुफस्सिर कुरान भी है जिन्होंने आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के तर्जमे कुरान पर तफसीर लिखी है, तफसीर नईमी एक तरह से आप समझ सकते हैं खजानुल इरफान के नाम से, मुख्तसर लेकिन जामे, मुख्तसर है मगर जामे है। तो इतनी बड़ी शख्सियात की मौजूदगी में आपकी दस्तारबंदी होती है और आप अपने ताल्लुम के और अपने लर्निंग के उस प्रोसेस से जो एजुकेशन का सफर है मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद आपका सफर शुरू होता है तदरीस का। और इसमें ये भी नाजरीन को बताइए कि कौन कौन से उलूम थे जिन पर आपने उबूर हासिल। हजरत अल्लामा सैयद अहमद सईद काजमी रहमतुल्लाह अलैह, मैं समझता हूँ जो उलूम इस्लाम को समझने में जी, कुरान को समझने में, दीन को समझने में जरूरी है, सब पर उनको दस्तरस हासिल थी। कौन सा इल्म ऐसे है जिनको जो उन्हें हासिल नहीं था, जिन्हें उन्हें उनका मलका नहीं था? सही, हदीस हो, तफसीर हो, इल्मे लुगत हो, मानी हो, बयान हो, बदी हो, उसूल हदीस हो, सर्फ हो, नहब हो, ये सारे उलूम, इल्मे मुनाज़रा हो, मंतिक, हर तरह के उलूम आपको हासिल थी, जो खास तौर पर कुरान और सुन्नत के साथ मुंसलिक है, सब पर आपको एक 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 गुना दस्तरस हासिल थी। आप उनके उनके अंदर एक तरह यदे तुला रखते थे। ये नहीं कि एक इल्म तो हासिल है तो दूसरा इल्म हासिल नहीं, बल्कि जितने भी इस्लामी उलूम और बिलखुसूस कुरान और सुन्नत को समझने के लिए दरकार उलूम हैं, उलूम आलिया, उन सब पर आपको कामिल दस्तरस हासिल। एक अच्छे मुफ्ती थे, एक अच्छे मुहद्दिस थे, मतलब आप ये देखें कि मुफस्सिर थे, आपने तफसीर कुरान मजीद लिखी, मुतरजिम थे आप, आपने हदीस की किताबें लिखी, हदीस का दर्स दिया सारी जिंदगी शेखुल हदीस के, और शेख तफसीर के मनसब पर फायज रहे, इफ्ता भी आपने, मतलब बहुत सारे फतावजात भी आपके मौजूद हैं, बावजूद मसरूफियात के फतावजात भी लिखते थे अपने इदारे में, हालांकि मुफ्ती हजरात भी मौजूद थे, आला पाए के मुफ्ती मौजूद थे, उसके बावजूद भी कोई अगर कोई मसाइल ऐसे आ जाते जो मुतनाज़ा होते, जहाँ आपकी जरूरत होती आप फतवा भी जारी फरमाते। यानी दीनी उलूम की तदरीस का आपने आगाज़ किया और फिर मुख्तलिफ जगहों और मुख्तलिफ औकात में उन उलूम की तदरीस को आगे से आगे बढ़ाते रहे, हत्ता कि फिर मुल्तान शरीफ आपकी तशरीफ जी हाँ, इस पर तफसील से आप कलाम कीजिए। हम देखते हैं कि जब आप फारिग होते हैं तो उसके बाद, उस वक्त चूंकि हिंदुस्तान था, भारत मुत्तहिदा मुल्क था एक तरह से, आपका आना पाकिस्तान नहीं बना था, आपका आना जाना था, 1930 का या 1931 का ये दौर है, आप शहर औलिया मदीनतुल औलिया लाहौर में तशरीफ लाते हैं, हजरत दाता पाकी रहमतुल्लाह अलैह की नगरी में तशरीफ लाते हैं, यहाँ उलमा इकराम से मुलाकातें होती हैं, लोग बड़े मुतासर हो जाते हैं कि आपका इल्म और फन है, आपको वहाँ दावत दी जाती है, तो सबसे पहले जामिया नोमानिया में तशरीफ लाते हैं, वहाँ आप तजरीस फरमाते हैं, इसके साथ साथ आपकी मुलाकातें उस वक्त के आपके जो हमासर उलमा थे, आपसे पहले की मतलब जयद उलमा थे, उनसे मुलाकातें होती हैं, हजरत पीर सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अबुल हसनात रहमतुल्लाह अलैह, इस तरह के अबुल बरकात रहमतुल्लाह अलैह, इस पाए के उलमा इकराम रवाबित रहे, उनके साथ उठना बैठना रहा और मतलब इल्मी गुफ्तगू होती रही, आपकी महाफिल होती रही, गुफ्तगू भी बड़ा खूबसूरत था, अल्फाज और अंदाज और बयान, इसका तो सानी ही कोई नहीं है, आपका जो अंदाज है इंतहाई शुस्ता होता था, हालांकि आप उर्दू में तकरीर फरमाते, लोग सराकी समझने वाले, पंजाबी बोलने वाले, वो लोग भी आपकी उर्दू समझ पाते थे और बड़े महब होकर सुनते थे। तो बात हो रही थी आपकी तदरीस की, तो ये सिलसिला जारी रहा कुछ अरसा, आपने उकाड़ा में भी तदरीस फरमाई, 1935 का दौर है जी। इस वक्त आप मुल्तान तशरीफ ले जाते हैं, वहां पे एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे हजरत सैयद नफीर आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप उनकी खिदमत में हाजिर होते थे, वो भी शायद आपके बरादर मुकर्रम
के कहने पर या उनके इरशाद फरमाने पर कि इनको इनकी ज्यारत किया करें, आप तशरीफ ले जाते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, वो आपसे बड़ी मोहब्बत फरमाते, बड़ा लुत्फ फरमाते, और हर साल वो हजरत उर्स किया करते थे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का, तो आपकी तकरीर होती थी, वहां तशरीफ ले जाते, तकरीर फरमाते। तो एक दफा फिर उन्होंने इरशाद फरमाया कि आप मुल्तान ही आ जाएं। तो उनके कहने पर, इरशाद फरमाने पर आपने फिर मुल्तान में क़याम फरमाया। आपसे इतनी मोहब्बत थी और आपका अंदाज़े बयान ऐसा पसंद था, हाँ, कि वो चाहते थे कि हमारे ही होकर रह जाएं। फिर इसके साथ साथ हजरत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो पीराने पीर का एक बहुत बड़ा दरबार है, बड़ा मस्जिद है सिलसिला आलिया कादरिया का, तो वहाँ के जो बुजुर्ग थे हजरत सैयद सदरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके साथ आपकी मुलाकात हुई, तो इन सब हजरात ने आपको दावत दी मुल्तान आने की, आप मुल्तान तशरीफ ले गए, किराए का मकान लिया आपने, वहां दरस व तदरीस शुरू कर दिया और आपकी तकारीर और आपके दुरूस शुरू हो गए। बिल्कुल सही, दुरूस कुरान बहुत सारी मसाजिद में आपने दिए, दुरूस हदीस दिए, मिश्कात शरीफ पर आपने बहुत बड़ा एक वक्त गुजारा दर्स का, तो वहां यह सिलसिला जारी रहा। और इस दौरान यानी आपने मुल्तान शरीफ तशरीफ ला के कुरान और सुन्नत और हदीस का दर्स भी दिया, लोगों को इससे रोशनास करवाया, और फिर जो शुरू में इब्तदाई मुश्किलात थी उनको भी बर्दाश्त करते रहे। आप ये देखिए कि शाही ईदगाह मुल्तान जी खानवा रोड पे है, बहुत बड़ा मरकज है, 1935 से लेकर 1946 में आपका इंतकाल होता है, लगभग 51 ईयर्स आपने वहां खिताबत फरमाई। सही। और कभी तो ऐसा भी होता था कि आप अमरोहा से भी इधर आते, तशरीफ ले जाते, गाड़ी पे आते और जुमा बढ़ा के चले जाते। सुभान अल्लाह। 51 साल एक ही जगह दीन मतीन की खिदमत की, ये दुरूस का सिलसिला बहुत बड़ी बात थी, और अल्लाह ताला की रजा के लिए ये सारा कुछ करते रहे। अच्छा, ज्यादातर आपका वक्त खिताबात में गुजरता, लोग दूर दराज से आते और आपको ले जाते, खिताब की दावत देते। तो एक दफा ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों ने आपको दावत दी खिताब की, बहावलपुर के इलाके में आप तशरीफ ले गए, आपने खिताब फरमाया, तो शायद उनका प्लान था, जो मुखालिफीन थे, जो स्कूल ऑफ थॉट उनका जरा डिफरेंट था, ठीक है, आपके दलायल के सामने तो कुछ कह ना सके, जवाब ना बन सका, तो उन्होंने फिर आप पर हमला कर दिया, कुल्हाड़ियों के वार किए, आपको शदीद जख्मी किया और अपने तई आपको एक तरह से मुर्दा करके शहीद करके चले गए। बाद में लोगों ने वहां के मकाम शदीद जख्मी हालत में छोड़कर चले गए, उनके ख्याल में यह है कि आपकी डेथ हो चुकी है, नौज़ बिल्लाह। तो वहां के मकामी लोगों ने आपको संभाला और आपकी तीमारदारी की और आपको पटियां की और आप मुल्तान तशरीफ ले आए, और मुल्तान में फिर आपने इलाज शुरू किया, ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट रहे, हॉस्पिटल में एडमिट रहे, घर में रहे, और घर में इलाज मुआवजा जारी रहा। और आप हैरान होंगे, उस वक्त के बड़े बड़े मशायख इज़ाम उलमाए किराम तशरीफ लाते रहे, हत्ता कि हजरत मुहद्दिस आज़म कचौचवी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आते। एक बयान के मुताबिक जो हजरत, मैं रिवायत कर रहा हूँ, हजरत अल्लामा सैयद हामिद सैयद काज़मी शाह साहब मुद्दज़िल्लोहु को, उनकी मैं बात को कोट करना चाहूंगा, उन्होंने फरमाया कि हजरत सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह खुद अपने हाथ से दवाइयां बना बना के, दवाइयां खरल करके आपकी पट्टी मरम पट्टी किया करते थे, वो यहाँ रहे, इतने बड़े एक आलिम दीन और एक सैयद, उनकी अजमत और उनकी शान और खिदमत। और इसी दौरान बात चल निकली कि जी हजरत खुदा ना खास अगर आपका इंतकाल हो जाता तो क्या होता, आपकी क्या ख्वाहिश थी, आपके क्या इरादे थे, क्या चाहते थे आप? तो आपने फरमाया कि भाई अल्लाह जानते हैं, कम अज कम मुझे ये मलाल रहता है कि मैं कोई इदारा नहीं बना सका, मेरा ख्याल था, मेरा इरादा था कि मैं कोई इदारा कायम करूँ जहाँ पे काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद हों। तो उन्होंने कहा जी आप बिस्मिल्लाह कीजिए, फिर आपने तालीमात आगे से आगे फैल सके, आगे से आगे फैल सके, उलमा तैयार हो, एक जमात तैयार हो। अल्लाह अकबर। तो उस वक्त आपको ख्याल आया और आपने जामिया अनवार उलूम का क़याम फरमाया, जामिया अनवार उलूम की बुनियाद रखी, और आप हैरान होंगे कि इतने मुश्किल हालात हैं वहां पर कि पैसा कोई नहीं है। आपने ख्वाहिश का इजहार फरमाया, आपके मिलने वाले एक दोस्त थे, मोतकिद थे, मुरीद थे, मुंशी अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह,
उनसे बात की, उन्होंने उस वक्त के मुताबिक 10,000 रुपए पेश कर दिए। आप घर तशरीफ ले गए, अपने जौजा मोहतरमा से बात की, उन्होंने अपने जेवर दे दिए, वो जेवर बेचे, 10,000 रुपए मिलाए और जामे अनवारुल उलूम के लिए एक जगह खरीदी, 1.5 कनाल के लगभग जगह है शायद, वो जगह खरीदी और वहां पर मस्जिद भी बनाई और इदारा भी वहां कायम फरमाया। यानी देखिए डॉक्टर साहब कि अब जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, ये तो अल्लाह की दस्त कुदरत में है, जिंदगी बढ़ा दी, वरना हो सकता था शहीद हो जाते, लेकिन जान भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर जिंदगी बाकी बच गई तो फिर भी यही ख्याल है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो कुरान हदीस हम तक पहुंचा है वो आगे उम्मत मुस्लिमा तक पहुंच जाए। 6-7 साल का पीरियड गुजरता है। देखिए 1935 में आप तशरीफ ले जाते हैं और 1944 में आप अनवार उलूम का क्याम कर लेते हैं। 9 साल के दौरान में ये दार उलूम कायम हो जाते हैं और आप हैरान होंगे, बड़े बड़े उलमा बाद में जाते रहे, वहां पे बड़ी तदरीस भी की, लोगों ने लोग जाते भी थे तो हैरान होते कि इतना बड़ा, इतनी छोटी सी जगह है, मुख्तसर सी जगह है और इतने बड़े बड़े उलमा इकराम यहाँ से तैयार होकर जा रहे हैं, दुनिया भर में फैले हुए हैं। आलम इस्लाम के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर अनवार उलूम का फैजान ना हो। बिल्कुल सही, जहाँ पर फैजान हुजूर गजाली जमान हो, पर आपके तलामीजा, आपके तलामीजा के तलामीजा के तलामीजा मौजूद है और ये सदका जारी अभी तक जारी है। बिल्कुल सही, यानी अपनी जो जोजा मोहतरमा है आपकी, जी हाँ, उन्होंने भी उनका इखलास भी मिसाली है। तो हम कह सकते हैं कि जो दार उलूम है अनवार उलूम, इसमें आपके अपना खून पसीना, आपकी मेहनतें, आपकी जोजा मोहतरमा सब की मेहनतें और जिंदगी की पूरी जिंदगी और खलूस पर मबनी है, वो उसमें मौजूद है। और फिर खुद तदरीस फरमाते रहे जी, और एक वक्त ऐसा आया कि जामिया अब्बासिया, जामिया इस्लामी अब्बासिया बहावलपुर जी, उन्हें जरूरत पड़ी, जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है आज जी, माशाल्लाह बड़े लेवल की यूनिवर्सिटी है, उस वक्त जामिया इस्लामिया था जी, जो भावलपुर के जो सूबा था उस वक्त, उनके रियासत थी, उनके कंट्रोल में था, तो उन्होंने आपको दावत दी और इस्तेदा की, उनकी इस्तेदा पर आप तशरीफ ले गए और शेखुल हदीस के मनसब पर फाइज रहे, आप हदीस के डिपार्टमेंट के चेयर रहे, शेखुल हदीस रहे। 1963 से लेकर 1974 तक ये सारा पीरियड आप वहाँ, आपने वहाँ गुजारा और हजारों लाखों तलबा को आपने पढ़ाया। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, यानी आपसे पढ़कर वो भी खुद मुख्तलिफ फील्ड्स में गए, बड़े बड़े वहाँ से पढ़े हुए लोग, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े मुहद्दिस और मुफस्सिर वहाँ से निकले, जो अपने तई बड़े, मतलब एक तरह से जमात बने, उन लोगों ने बड़े इदारे बनाए, बिल्कुल वो शुयूख हदीस बने। उनमें एक दो नाम में अर्ज कर देता हूँ, हजरत अल्लामा शेखुल हदीस मौलाना मुश्ताक अहमद साहब चिश्ती, ये भी वही पढ़ते रहे और बहुत सारे उलमा थे। बिल्कुल सही, इंशाल्लाह इस सिलसिले कलाम को जारी रखते हैं, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात जो है वो शामिल करते हैं। जी नाज़रीन सामीन, 9 News HD के लाइव स्टूडियो से रमज़ान मुबारक की ये स्पेशल ट्रांसमिशन, और आज बहुत ही अजीम एक हस्ती, उनके तस्करे मुबारक हो रहा है, तस्करा मुबारक अल्लामा अहमद सईद शाह काज़मी अलैहि रहमा, गज़ालिय ज़मां हैं, राज़िय दौरा हैं और फिर कुरान और सुन्नत के बहुत बड़े हामिल भी हैं, पैकर भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुफ्ती भी हैं, क्या क्या आपके नुमायाँ औसाफ़ हैं, इनका जिक्र हो रहा है, इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान सना खान जनाब क़ारी मोहम्मद राशिद महमूद नक्शबंदी साहिब, नबी मोहम्मद अशरफ सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबी वबारक वसल्लम की बारगाह नाज़ में हुज़ूर गज़ाली ज़मां अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह काज़मी अलैहि रहमा ही का कलाम पेश करेंगे। जी जनाब क़ारी मोहम्मद राशिद महमूद नक्शबंदी। जलवाए वादुहा देखते रह गए, जलवाए वादुहा देखते रह गए, हुस्न बदरुद्दुजा देखते रह गए, रूए रोशन पे ज़ुल्फ़े सिया देख कर,
रुए रुए शन पे ज़ुल्फ़े सिया देख कर हम दुहा और सजदा देखते रह गए हम दुहा और सजदा देखते रह गए जलवाए पर पहुंचा का तो रूह है अमीन अर्श पर पहुंचा का तो रूह है अमीन अर्श पर पहुंचा का तो रूह है अमीन सिदरतुल मुल्तवा देखते रह गए सिदरतुल मुल्तवा देखते रह गए जलवाए वदुहा देखते रह गए हुस्न इकरा तो दे खाता जिब्रील ने हुस्न इकरा तो दे खाता जिब्रील ने हुस्न इकरा तो दे खाता जिब्रील ने हम तो गारे हीरा देखते रह गए हमको गारे हीरा देखते रह गए जलवाए वदुहा देखते रह गए हुस्न बद्र दुजा देखते रह गए और बहुत ही प्यारा शेर चांद दो टुकड़े हो कर तसद्दुक हुआ चांद दो टुकड़े हो कर तसद्दुक दुश्मने मुस्तफा देखते रह गए दुश्मने मुस्तफा देखते रह गए जलवाए वदुहा देखते रह गए हुस्ने बद्र दुजा देखते रह गए। जी नाज़रीन और सामईन नाइन न्यूज़ HD के लाइव स्टूडियो से रमज़ान मुबारक की ये स्पेशल ट्रांसमिशन सदाए रमज़ान आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। बहुत खूबसूरत कलाम और हकीकत ये है कि जो उलमा फुकाहा और फिर अहले बैत किराम सादात में से हों नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से हों कुरान सुन्नत के उलूम से भी वाकिफ़ और ऐसे वाकिफ़ कि फिर उसके मोती आगे उम्मत मुस्लिम तक बिखेरने वाले हों वो जब नात लिखते हैं तो वो ऐसे ही नात लिखते हैं जो कुरान और हदीस ही का मुरक्का होती है। अब इस नात में भी देखिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात आपके खसाइल का जिक्र हुआ तो वो कुरान और हदीस ही के हवाले से है। ये इन अजीम हस्तियों का शियार था और इनकी ये खसूसियत थी। आज भी हमारे शुआरा को उलमा को और हत्ता के स्टूडेंट्स जो हैं तलबा जो हैं उनको भी इन अजीम हस्तियों के नक्शे कदम पर चलना ये आज हमारे लिए आज भी ज़रूरी है। अगर आज हम इन अजीम हस्तियों के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दें
तो फिर मुसलमान जो हैं उसी तरह दोबारा उलूम में, फ़नून में, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, हर हर शोबे में दोबारा औज़े कमाल हासिल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ग़ज़ाली ज़मां राज़ी दौरा हुज़ूर अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह काज़मी अली रहमा आपके तज़किरे मुबारक हो रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद कासिम सईदी साहिब जो एप्लाइड लिंग्विस्टिक्स शोबा इंग्लिश लिसानियात जिस यूनिवर्सिटी से हमारे साथ शरीक गुफ्तगु, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। जी डॉक्टर मोहम्मद कासिम सईदी साहिब, अल्लामा अलैहि रहमा आपके ज़िंदगी के हयात मुबारक के मुख्तलिफ नुमाया जो पहलू उन पर गुफ्तगु हो रही है, दीनी खिदमात का ज़िक्र हुआ, दीनी खिदमात के हवाले से और आपके जहन में जो चीज़ें हों उन पर भी कलाम कीजिए, और फिर इसके साथ साथ जो आपकी सियासी फ़िक्र थी, सियासी खिदमात हैं, तहरीक पाकिस्तान का मामला आता है, ख़त्म नबूवत का मामला आता है, इस हवाले से फिर आपने इस प्लेटफॉर्म पे जो खिदमात सर अंजाम दी उसका भी तज़किरा किया। हज़रात मोहतरम, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारी जो ममदूह शख्सियत हैं जी हज़रत अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो हमारा पहलू शख्सियत है। उनकी शख्सियत के जहाँ इल्मी पहलू हैं, जहाँ रूहानी पहलू हैं, उसके साथ साथ सियासी और फिक्री पहलू भी हैं। हज़रत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह तारीख़ पाकिस्तान की एक सरगर्म कारकुन थे। आप बाकायदा मुस्लिम लीग में शामिल भी हुए, आप उनके मुस्लिम लीग के मेंबर बने और वर्कर के तौर पर काम किया, एक सियासी वर्कर के तौर पर काम किया, और हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के साथ आपकी खतो किताबत रही, और हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने तो आपने एक दफ़ा खिताब भी फरमाया मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर, और आपने हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तारीफ़ फरमाई, तौसीफ़ फरमाई और दुआ दी। आप रहमतुल्लाह अलैह अगर हम देखें जी, जो एक तरह से तारीख़ पाकिस्तान क्या है, तारीख़ आज़ादी है, बिल्कुल सही, और आप समझते हैं कि मुसलमान के लिए गैरों से आज़ादी हासिल करना ज़रूरी है, बिल्कुल सही, आपने उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया जी, उलमाए अहले सुन्नत के साथ, ज़ुअमाए मिल्लत के साथ जी, और मशाइख़ अहले सुन्नत के साथ आपने मिलकर सुन्नी कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया, बड़ी बड़ी सुन्नी कॉन्फ्रेंसेस हुई, बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस जो है बड़ी मशहूर थी, ऑल इंडिया बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस, हाँ जी, उसमें शामिल हुए, और मुल्तान में रहकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर पाकिस्तान के क़याम के लिए बड़ी जिद्दोजहद करते रहे। जब पाकिस्तान, हम कह सकते हैं कि बिलखसूस जनूबी पंजाब में आपने तहरीक पाकिस्तान के लिए बहुत अहम किरदार, बहुत अहम किरदार अदा किया, और ना सिर्फ ये कि भी आप पाकिस्तान बन गया और आप खामोशी के साथ बैठ गए, बल्कि क़याम पाकिस्तान के बाद जी मुल्क पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए भी कोशां रहे, हत्ता कि जब दस्तूर लिखा जा रहा था पाकिस्तान का 1956 में जी, तो आपने उस दस्तूर साजी के अंदर भी अपनी जद्दोजहद की, अपना किरदार अदा किया कि पाकिस्तान का कानून कैसे होना चाहिए, बिल्कुल सही। फिर सियासी तौर पर जब आपने महसूस किया कि मुस्लिम लीग अपने उस मैनिफेस्टो से अपने मंशूर से हटने लगी है, तो फिर आपने उलमाए किराम को जमा किया और जमीयत उलमाए पाकिस्तान की बुनियाद रखी, जिनमें और भी उलमाए किराम मौजूद थे, हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, बहुत सारे बुजुर्ग मशायख इज़ाम मौजूद थे, उलमा मशायख मौजूद थे, अल्लामा अबुल हसन कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, उनके साथ मिलकर जमीयत उलमाए पाकिस्तान की बुनियाद रखी, और उसमें आपने बड़ा किरदार अदा किया, उसमें ओहदा भी आपके पास रहा। फिर एक दौर ऐसा आया कि मजहबी तौर पर और मसलकी तौर पर जरूरत महसूस हुई, तो आपने जमात अहले सुन्नत का क़याम अमल में लाया, आप उसके बाकायदा सदर रहे, और इस वक्त आपके साहबजादा जानशीन इमाम अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद मजहर सईद काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया जमात अहले सुन्नत के अमीर है इस वक्त। तो हर इसी तरह अगर आप मजहबी जमातों की तरफ जाते हैं जो खालिस मजहबी जमातें हैं, तबलीगी लेवल पे जो काम कर रही है दावत इस्लामी,
उसकी बुनियादों में भी आपका हाथ है, बानियान में शामिल है, उनमें अल्लामा शामद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह और उसके साथ साथ गजाली अजमा रहमतुल्लाह अलैह, ये लोग मौजूद थे, इन्होंने इस दावत इस्लामी का रूह रवां थे, ये मुशीर थे, इखलास शामिल था इस जमात के बानियों में, ये शामिल है। फिर अंजमन तुलबा इस्लाम है, अंजमन असातिज़ा है, बहुत सारी तंजीमात की आपने बुनियाद रखी, और सबसे बढ़कर आप ये देखें कि अहले सुन्नत व जमात जो एक पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है और उसके मदारिस हैं, इदारे हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, जामियात हैं, तो उनकी उनको मुत्तहिद किया, ठीक है, एक इदारा कायम किया तंजीम उल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान, एक तंजीमी लड़ी में परोया, और जिस तरह एक निज़ाम है बोर्ड्स का, यूनिवर्सिटीज का इम्तिहान का जो निज़ाम है वो कायम किया, एक इम्तिहानी बोर्ड कायम किया, बाकायदा तौर पर वहां से सनद जारी हो, आप उसके भी बानी भी थे और आप सदर भी रहे, तो बहुत बड़ा आपका एक रोल है मैं समझता हूँ, मिली तौर पर भी। अच्छा फिर देखें फिक्री तौर पर आपने अपने अफकार को कैसे फैलाया, जहां एक तरफ इदारा बनाया, अनवार उलूम का क्याम किया, आपने खिताबात की, जगह जगह खिताबात की आपने, दुरुस्ती है कुरान और सुन्नत के, और उसके साथ साथ आपने माहनामा सईद जारी फरमाया, आप सहाफत के साथ भी मुंसलिक रहे, आप उसके मुदीर रहे, बिल्कुल सही, माहनामा सईद बड़ा अरसा चलता रहा, और एक दूसरा इब्राहिम और मूसा, असल जो सहाफत का माना और मफहूम है उसके मुताबिक, उसके मुताबिक एक और रिसाला था, माहनामा था अलकायद, अच्छा, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब के वालिद ग्रामी सज्जाद हुसैन, नवाब सज्जाद हुसैन कुरैशी साहब भी उसमें शामिल थे, शायद वो उसके मुदीर थे, उसके साथ भी आप शामिल रहे, माहनामा अलकायद में भी कायद मुल्तान के नाम से था, फिर माहनामा सईद में जो अहम शोबे थे उसमें आपके नुमाइंदा रहा, फिर आपने अखबारात में अपने कालम लिखे, जहां जरूरत पड़ी, जिस वक्त जरूरत पड़ी, जिस मसले पर जरूरत पड़ी, आपने अपने कालम जंग में नवाए वक्त में शाय फरमाए, तो एक मतलब आपकी शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत है, जिस पहलू से भी अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आप वहां पर मौजूद हैं, कोई तिशनगी महसूस नहीं होगी आपको, अल्हम्दुलिल्लाह हर महाज पर सबसे आगे डटे हुए खड़े हुए नजर आते हैं। इसके अलावा चूंकि आपकी तदरीसी खिदमात का जिक्र हुआ तो गालिबन अहदीस मुबारक के असबाक खुद पढ़ाते थे, अहादीस मुबारक के असबाक खुद पढ़ाते थे, बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ तो बाकायदा तौर पर खुद ही पढ़ाते थे, और आपके एक नुमाया मुमताज शागिर्द और मैं समझता हूँ कि फनाफिस शेख थे, फनाफिस शेख वो मुरीद थे गुरड़ा शरीफ के, तो हमें तो फनाफिस शेख लगते थे, हजरत अल्लामा मौलाना अल हाफिज मुश्ताक अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बाकी असबाक हदीस के वो पढ़ाया करते थे, यानी आप बुखारी और मुस्लिम आप पढ़ाया करते थे, नायब शेख हदीस भी उन्होंने मामले रखा हुआ था, और जिस दौर में आप भावलपुर तशरीफ फरमा थे जामिया बासिया में, तो पीछे बाकायदा तौर पर शेखुल हदीस रखे, जब आप वहां से तशरीफ ले आए तो फिर खुद पढ़ाया करते थे, और अलालत के बावजूद भी पढ़ाते थे, आप जिन दिनों आपका विसाल मुबारक होता है 1986 में, उन दिनों भी अपने बिस्तर पर जहां आप तशरीफ फरमा थे, बीमारी अलालत के बावजूद भी सबक पढ़ाया करते थे, और हमने नावा नहीं किया डॉक्टर साहब, हमने तो ये भी सुना कि बाज़ का तो अपने शागिर्दों के लिए खाना खुद ले जाना, अपनी खाना ले जाना, उनकी खिदमत करना, उनको किराया देना, बहुत बड़ा प्यार रखते थे तलबा के साथ, उलमा के साथ, और बड़ी इनकी सारी थी, आज ही इनकी सारी की तो इंतहा थी, एक आम तालिब इल्म को जो मुब्तदी होता था उसको भी मौलाना के बगैर पुकारा ही नहीं करते थे, मौलाना आप ये बात सुने, मौलाना इधर तशरीफ रखे, तो बड़ा रुतबा देते थे दीन के तलबा किराम को। आपने आपके मुख्तलिफ नुमाया और साफ का जिक्र हुआ, और हकीकत यह है कि हम वह आता ही नहीं कर सकते तफसील के साथ, वक्त भी कम होता है, आपकी क्या तसानीफ भी हैं इस शोबे में भी आपने काम किया? यकीनन बावजूद तदरीस के और बावजूद तबलीग के, जी तदरीस में और तबलीग में आपका ज्यादा वक्त गुजरा, बड़े बड़े लंबे लंबे सफर भी होते हैं, बड़े लंबे सफर भी आपने तय किए, लेकिन इसके बावजूद तसानीफ से भी आप गाफिल नहीं रहे। सबसे बड़ा काम जो आपने किया वो आपने कुरान मजीद का तर्जमा किया, ठीक है, तर्जमतुल कुरान पब्लिश्ड है अल बयान के नाम से,
और ये मौजूदा दौर के ऐन मुताबिक है, सलीस जुबान में है, आसान है। और मैं समझता हूँ जो कुरान मजीद के इस तर्जमा की खसूसियात में जो कुछ लिखा है उसमें सबसे बढ़कर ये है कि अल्लाह जल्ला जलालुहू वअज़्ज़ बुरहानुहू और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो अदब के तकाजे हैं वो पूरे किए गए हैं। बहुत सारे मुतरजमीन धोखा खा गए हैं, बेअदबी और गुस्ताखी के मुर्तकिब हो गए, बहुत ख्याल रखा गया। और तर्जमा की बाकी खसूसियात में यह है कि सलीस जुबान इस्तेमाल की गई है, बिल्कुल सही, और रवानी के साथ, रवानी के साथ एक आम मुसलमान मौजूदा जो उर्दू सलीस उर्दू है उसके ऐन मुताबिक तर्जमा किया गया। इसी तरह आपने तफसीर लिखी अतिबियान के नाम से, लेकिन यह है कि जिंदगी ने वफा नहीं की, अभी पहली जिल्द ही नामुकम्मल थी पारे की और आपका विसाल हो गया 1986 में। इसके अलावा आपने बहुत सारी तसानीफ की है जिनमें नुमाया जो है वो, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, जो 13 साल की उम्र में लिखी थी पहली किताब तस्बीह और रहमान, अनिल किस्ब व नुकसान, अल हक वल मुबीन, नफी व जिल, हयात उन नबी, मिलाद उन नबी, इल्म गैब, अत तबशीर, बिरद्दिस तहजीर, किताब उत तरावी, तस्कीन उल खबातिर, तौहीद और शिर्क, हुज्जियत हदीस, बहुत सारी किताबें हैं और देखिए अकायद पर, अकायद पर किताबें हैं और दुरूद पाक, दुरूद ताज पर इतराजात लोगों ने किए, उस पर किताब लिखी। और लुगत में मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि आप माहिर थे, लफ्ज अन्नबी पर आपने एक किताब लिखी कि लोगों को अन्नबी के लफ्ज का माना ही नहीं पता, जरूरत थी। इस तरह दियत का मसला आया, लोगों ने इख्तिलाफ किया कि औरत की दियत इतनी है, मर्द के बराबर है, ये है वो है, तो औरत की दियत के हवाले से आपने किताब लिखी। तो मौका, महल और जरूरत के ऐन मुताबिक आप कलम उठाया करते थे, कभी गाफिल नहीं रहे। तो ही आपकी जिंदगी के वो लम्हात है। फिर आप ये देखिए कि आप जब सबक पढ़ाया करते थे तो उलमाए किराम आपके असबाक को बकायदा नोट भी करते थे, उन्होंने बड़ी कोशिश जीने की, नोट्स बनाते थे। उन जैद उलमाए किराम में हजरत सैयद मुफ्ती शुजात अली कादरी साहब हैं, खतीब पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद शफी उकाड़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, बड़े बड़े नाम हैं आपके शागिर्दों में। तो बात चल रही थी थोड़ी, मुझे शायद मैं बता नहीं सका, आपकी आजी और इनकी सारी की और दिल जोई की, आपके एक बहुत बड़े शागिर्द हैं, अवलीन शागिर्दों में हैं मौलाना खुर्शीद अहमद साहब ज़ाहिर पीर वाले, उन्होंने ये वाकया बयान फरमाया कि हमारे सामने अनवारुल उलूम में 3 हजरात तशरीफ लाए, ठीक है, आपसे खिताब की दावत देने के लिए, एक टाइम लेने के लिए, बिल्कुल सही। तो 3 हजरात मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखते, 2 हजरात बहुत अमीर थे, गाड़ी वाले, पैसे वाले, और बड़ा मतलब उन्होंने लजाजत की कि हमें टाइम दे, दूसरे ने कहा मुझे टाइम दे, एक गरीब बंदा आया फटे पुराने कपड़े, उन्होंने कहा जी मेरे पास तशरीफ ले जाए, मेरे वाले साहब की बरसी है, पिछले साल भी आप आए थे, इस जगह भी आप चले, इंतहाई गरीब था। अब वो एक ही टाइम लेना चाहते थे, एक ही दिन, एक ही वक्त। तो आपने तीनों को बिठाया, दरसे हदीस दिया और उसके सामने उन तीनों को बिठाकर समझाया कि बात यह है कि भाई मैं अगर एक के पास जाता हूँ तो दूसरे से वादा खिलाफी होती है, दूसरे की दिल शिकनी होती है, तीसरे के पास जाऊं, पहले के पास जाऊं, दूसरे के पास जाऊं, मैं तीनों के पास नहीं जाता। मैं ऐसा करता हूं अगर आप राजी हो, मैं आप तीनों में से किसी के पास भी नहीं जाता, मैं उसी दिन दरसे हदीस दूंगा और उसका सवाब आप सबको, आप सबके लिए होगा, आपके सब नामे अमाल में होगा, बिल्कुल सही, हदीस पढ़ाने का सवाब होगा, आप तीनों को होगा। तो तीनों राजी हो गए और 2 को वहीं पे खाने का इहतमाम किया और जो तीसरा गरीब आदमी था उसको साथ ले गए, घर जाकर साथ बैठ के खाना खिलाया। उसने कहा जी खाना मैंने कोई नहीं खाना, मेरे आप साथ चले। आपने उन दोनों को राजी कर लिया, मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझसे वादा ना करें। वो कहीं दूर देहात में, भावलपुर के देहात में रहता था, जहां पर जाना भी बहुत मुश्किल था, शायद किस सवारी पे आप तशरीफ ले गए, बहुत मुश्किल सफर था, मुश्किलात थी। बाकायदा तौर पर मौलाना फरमाते हैं, मौलाना खुर्शीद अहमद साहब के मैंने और मौलाना खुदाबज अजहर साहब थे उनके शागिर्द, अवलीन शागिर्दों में, उन दोनों ने अर्ज की हुजूर ये तो पिछले साल भी हम आपके साथ गए थे, बोला कठिन सफर है, आप छोड़े। आपने फरमाया नहीं, मैंने इसकी दिलजोई करनी है, गरीब आदमी है, मैंने जाना है। फिर उनके साथ वादा किया,
खाना खिलाया और फिर तशरीफ ले गए और दूसरे दोनों आदमियों को भी राजी कर लिया, था उनको आमादा कर लिया था कि भी आप राजी हो जाए। तो मतलब बहुत आज ही इनकी सारी करने वाली शख्सियत थी। बेशक हर बंदा ये समझता था, हर बंदे के साथ प्यार मोहब्बत अता फरमाया, प्यार मोहब्बत हर एक बंदे के साथ था। जो भी मिलता वो समझता कि शायद मुझसे ज्यादा आपको आपको मतलब मुझसे ज्यादा प्यार है, मुझसे ज्यादा कुर्बत है आपकी। उलमा इकराम का बहुत एहतराम करते हो। कोई शख्स अगर आपके सामने किसी आलिम का बगैर लकब के नाम ले लेता तो नाराज हो जाते। फिर इल्मी गिरफ्त हर बात पर करते, उधार नहीं रखते थे। एक शख्स ने लफ्ज़ मोहब्बत कहा तो फौरन फरमाया हाँ जी आप हाफिज़ कुरान जरा पढ़िए ना, वालकई तो अलैका मोहब्बत मिन्नी। गाड़ी में सफर कर रहे हैं, एक आलिम साहब जो है फिरके मुखालिफ के थे, तो बात चल निकली, उनके पास एक इश्तिहार था, इश्तिहार छपा जी के दूर और नजदीक से सुनना अल्लाह ताला की सिफत है। तो उनसे आपने फरमाया कि मौलाना आपने ये इश्तिहार लिखा, मुझे इतराज कोई नहीं, मुझे इस बात पे इतराज है, मुझे जरा समझाइएगा क्या अल्लाह ताला से भी कोई चीज दूर है? जब आप ये लिखते हो कि दूर और नजदीक से सुनना अल्लाह की सिफत है, क्या दूर से भी अल्लाह सुनते हैं, अल्लाह से भी कोई चीज दूर है? वही उन्होंने गलती मानी कि ना हाँ जी हमसे गलती हो गई, हमने इस बात पे ध्यान ही नहीं किया कि अल्लाह ताला की जात के नजदीक तो कोई चीज ना दूर है ना करीब है। तो बड़ा मतलब वो उनके यहाँ एक मैं समझता हूँ कि बहुत कामिल शख्सियत थी आपकी। यानी डॉक्टर साहब इस हवाले से मैं एक बार ये समझाऊँ कि उलमाए अहले सुन्नत बिलखसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत किराम सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान इनके हवाले से तो मोहब्बत अदब का पहलू हमेशा मद्देनज़र रखते हैं। इससे बढ़ कर बाज़ का तौहीद के हवाले से एतराज़ किया जाता है। देखिए तौहीद असल सिखा ही यही रहे हैं, अल्लाह की ज़ात बाबरकत के बारे में एक बारीक सी बात पेश आ रही है तो उस पर भी गिरफ्त कर उस पर भी गिरफ्त फरमा दी है। ये वाकया हो गया, जो पहला वाकया जो है वो इमकान किस वाला उसे आप देखें। अल्लाह अकबर, बेशक बेशक। तो आपकी माशाल्लाह जब तकरीर फरमाते आपका दलाइल का इतना अंबार लगा देते कि सुनने वाला उसके पास कोई जवाब नहीं होता था। और मजे की बात है कि आपका जब खिताब होता था, हालांकि आप उर्दू में खिताब फरमाते, बाकी जुबानों के लोग भी समझते थे जिनकी मादरी जुबान उर्दू नहीं थी। आपका अंदाज बयान बहुत मीठा, बहुत बहुत मीठा और बहुत शीरीन होता था, लहजा बहुत अच्छा होना, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क व मोहब्बत तो बहुत ज्यादा था। हर बात कहने के बाद दुरूद पाक आप पढ़ते थे, बहुत प्यार था, सही मानों में आशिक रसूल थे। आप अपने तौर पर एक जमात थे, एक अंजुमन थे, आपने बड़े बड़े लोग तैयार किए। आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो काम आप नहीं कर सके आपके शागिर्दों ने मुकम्मल कर दिया। आपने इदारे बनाए, जितना बना सके बनाए, उसके बाद आपके शागिर्दों ने आपकी औलाद ने अब आप ये देखिए आपको आप काम को आगे बढ़ाया। इस वक्त भी दरस कुरान मौजूद है, आप जुमतुल मुबारक के दिन तशरीफ ले जाए शाहिद गाह में, बहुत बड़ा दरस कुरान हो रहा है, दारुल हदीस मौजूद है, और नई तर्ज पर आपने आपके साहबजादगान ने यूनिवर्सिटी का क्याम जामिया इस्लामिया अल आलमिया अनवार उलूम का क्याम अमल में लाया है। तो इसी तरह आपके शागिर्दों ने काम को चलाया। सबसे बढ़कर हदीस में हजरत मौलाना अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस पे काम किया, और बहुत से शागिर्द आपके मौजूद है, तिब्यानुल कुरान उनका हदीस पर तफसीर पर बड़े आपके शागिर्दों ने काम किए हैं। तो मतलब मैं समझता हूँ कि उन्होंने रिजाले कार तैयार किए हैं, मुदर्रिसीन तैयार हुए, मुबल्लिगीन हैं, हत्ता के यूनिवर्सिटी कॉलेजेस लेवल तक भी आपके तलामीज़ा या तलामीज़ा के आगे तलामीज़ा जो है वो पहुंचे। बहुत बड़ा नेटवर्क आप दे गए हैं आलम इस्लाम को। आपके विसाल के हवाले से विसाले पुर मलाल जो है उस पर जी हजरत गजाली जमा राजी दौरान अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल मुबारक रमज़ानुल मुबारक में हुआ। 25 रमज़ान 1986 था, 25 रमजान को आपका विसाल हुआ, और रात भी बनती है फिर रमजान मुबारक 25 को आपका विसाल हुआ, 26 को आपका जनाजा हुआ, तो 27वीं शब आपकी कब्र मुबारक पे आई, कब्र मुबारक में आपकी 27वीं शब है, और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि यही लैलतुल कद्र आपको नसीब हुई, रमजान मुबारक नसीब हुआ। और आप ये देखें कि आखिर दम तक
सबक भी पढ़ाते रहे, इबादत भी बजा लाते रहे और जो उमूर उनके दीनी थे उनको मुकम्मल करते रहे। अल्लाह ताला हमारे लिए, डॉक्टर साहब हमारे लिए, नौजवानों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए बिलखुसूस, चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं या मदारिस के तलबा हैं, उनके लिए इसमें आपकी ज़िंदगी में क्या दर्स मौजूद है, सबक मौजूद है, पैगाम क्या? हज़रत मुफ्ती साहब, मैं अपने नाज़रीन को, अपने दोस्तों को और अपने तलबा को और अपने बुज़ुर्गों और भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि हज़रत ग़ज़ाली ज़मान रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत हमारे लिए एक मशअल राह है। बिल्कुल सही। आपकी ज़िंदगी, आप ये देखें कि ज़िंदगी में जो वो काम कर चुके हैं हम सारे मिलकर भी नहीं कर पा सकते। इतना उन्होंने काम किया। सबसे पहली चीज़ मेहनत है और उसके बाद दीन के साथ लिल्लाहियत है, खुलूस है। बेशक बेशक। आप ये देखें कि आम तौर पर आपने मुरीदीन को वज़ाइफ बताते तो सबसे पहली बात वो नमाज की करते कि नमाज नहीं छोड़नी, जो बंदा नमाज छोड़ेगा वो मेरा मुरीद ही नहीं है। बिल्कुल सही। फिर जो हमारे बाकी मसाइल हैं जिंदगी के, उनके बारे में उनको आगाह करते हैं, खासतौर पर सूद के बारे में, जो बंदा सूद खाएगा मेरा मुरीद नहीं होगा। एक दूसरे के साथ प्यार करें, मोहब्बत करें, नमाज का क़याम करें और मसलक के हवाले से, अकायद के हवाले से पुख्तगी थी, कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलना है। और आप अक्सर फरमाया करते थे कि आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ही मेरा मसलक है, इसी के साथ जुड़े रहना। बहुत अजीम हस्ती, मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुदर्रिस, मुबल्लिग, सहाफ़ी, शायर, अदीब, मुबल्लिग, क्या फ़कीह, कौन कौन से शोभा जात ऐसे हैं जिनमें आपका काम नहीं है। और हकीकत यह है कि आज के हमारे उलमा, मशाइख और फिर नौजवान नस्ल और फिर स्टूडेंट, सभी के लिए आपकी ज़िंदगी जो है वो मशअले राह है कि कैसे मेहनत के साथ आपने दीन के और बज़ाहिर जिन्हें दुनिया हम कहते हैं हकीकत में वो भी दीन ही हैं, इखलास के साथ और जब मुसलमानों के बेहतरी के लिए उसमें काम किया जाता है वो भी दीन ही होता है, उस पर आपने काम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला आपकी ये काविशें भी कबूल फरमाए और हमारी आपकी बारगाह में जो ये हाज़िरी है ये भी कबूल फरमाए। आखिर में डॉक्टर साहिब इन बाबर के लम्हात में दुआ फरमाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله ہمارے جتنے سامعین اور ناظرین ہیں اور ہم या अल्लाह हम सब की मगफरत फरमा, हमारे वालदैन असातिज़ा की बख्शिश फरमा, या अल्लाह रमज़ान मुबारक की बरकतें नसीब फरमा, सआदत नसीब फरमा, फ़ुयूज़ व बरकात नसीब फरमा, रमज़ान मुबारक और कुरान मजीद को हमारे लिए शाहिद खैर बना, हमें दारैन की सआदत नसीब फरमा, या अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी उल्फत और मोहब्बत में इजाफत फरमा और आपकी इत्तिबाए कामिल नसीब फरमा, आपकी इत्तिबाए कामिल नसीब फरमा, इस्लाम के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। हज़रत ग़ज़ाली ज़मां राज़ी दौरा अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नक्शे कदम पर चला, या अल्लाह इन बुज़ुर्गों के साथ हमारी अकीदत और मोहब्बत हमेशा रहे, जिस तरह इन बुज़ुर्गों ने दीन के लिए काम किया और अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारी, हमें भी उन्हीं राहों पर चला। या अल्लाह हमारी औलाद की खैर हो, या अल्लाह पाकिस्तान की खैर हो, आलम इस्लाम की खैर हो, या अल्लाह हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू, ईमान की हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। जी नाज़रीन सामईन, 9 News HD के लाइव स्टूडियो से रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन सदाए रमज़ान का आज का प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद लुक़मान रज़ा, हमारे मौजूद मेहमान और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। आखिर में जनाब क़ारी मोहम्मद राशिद महमूद नक्शबंदी साहिब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में उलहाए अक़ीदत पेश करेंगे। जी जनाब क़ारी मोहम्मद राशिद महमूद नक्शबंदी साहिब। मुस्तफ़ा नजरे करम फरमाएंगे, मुस्तफ़ा नजरे करम फरमाएंगे, मुस्तफ़ा नजरे
मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे, मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे। और साकिया कौसर करम फरमाएंगे, साकिया कौसर करम फरमाएंगे। हम पिएंगे वो पिलाते जाएंगे, हम पिएंगे वो पिलाते जाएंगे। मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे। और शब्बाले शब्बीर जाने फातिमा, शब्बाले शब्बीर जाने फातिमा, अपने नाना से हमें मिलवाएंगे, अपने नाना से हमें मिलवाएंगे। मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे। और शब्बर शब्बीर के नाना गबो, शब्बर शब्बीर के नाना गबो, ता कयामत उनका सदका खाएंगे, ता कयामत उनका सदका खाएंगे। हाँ खाएंगे, मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे। और बहुत ही प्यारा शेर, सब्ज गुंबद पर नजर जब जाएगी, सब्ज गुंबद पर नजर जब जाएगी, काम सब बिगड़े हुए बन जाएंगे, काम सब बिगड़े हुए बन जाएंगे। क्योंकि मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे। और मक्ता, जाग उठेगी मेरी किस्मत अली, जाग उठेगी मेरी किस्मत अली, जब कदम उनके मेरे घर आएंगे, जब कदम उनके मेरे घर आएंगे। मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे। सुभान सुभान शाहे जहां सदाए रमजान।